Hey, what's up guys? I hope you all are doing very good. आज मैं आप लोगों को अंधाधुन मूवी के एंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर कोई ये मूवी देख के नहीं आया है तो प्लीज इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, आगे देखने की आपको कोई दरकार नहीं है। और फिर भी आपको अगर अंदर की खुजली सता रही है, नहीं मैं देखूंगा इसके एंडिंग क्या है, मेरे को मूवी नहीं जाना, मेरे को यहीं से पता करना है, तो प्लीज कंटिन्यू करते रहिए, ये आपके ऊपर है। तो पहले मैं अपने आप को पूरी तरह अंधा कर लेता हूं। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे क्यों कर रहा हूं मैं, इसका रीजन ये यार मूवी इतनी अच्छी थी कि मैं अगर अंधा बन के वीडियो का रिव्यू दूं तो शायद आप लोगों को और मजा आए। तो पहली एंडिंग ये हो सकती है कि आयुष्मान यानी आकाश, पूरा का पूरा स्टोरी जो राधिका आप्टे को बताया एंड में, वो पूरी गलत थी। इसका मतलब उसने और डॉक्टर ने मिलकर तंबू के लीवर को बेचा और वो 1 करोड़ रुपया लेकर के अपने आई का ऑपरेशन कराया और लंदन चला गया। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी जो राधिका आप्टे को बताया गया है, ये खाली उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए या उसको वापस अपने प्यार में लुभाने के लिए बताया गया। तो भाई लोग दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि एंड तक आयुष्मान सही में अंधा था और जो कि स्टोरी वो बताया पूरा का पूरा सही था। और लास्ट की जो सीन जहां पे आयुष्मान चलना चालू किया और सामने से अपने स्टिक से कोन या कोक के कोई भी अपने कैन को मारा, वो बाय चांस उसने लग गया, बाय चांस वो चलते चलते उससे लग गया, असलियत में वो एक्चुअली अंधा था और वो जस्ट ए कोइंसिडेंस था। तो अब ये क्या होगी और नहीं होगी ये तो भाई डायरेक्टर ही जानते हैं, डायरेक्टर ही समझे और डायरेक्टर ही जाने। पर बहुत ही अच्छे से मैं ये बोलना चाहूंगा, इस डायरेक्टर साहब ने बहुत जॉनी गद्दार जैसी मूवी देते हुए इस एंडिंग को भी एक परफेक्ट ओपन एंडिंग बनाया।